और आप उसी दिखू चलिए चलते हैं जहां अर्जुन मुंडा सभा को संबोधित करें और थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचने वाले हैं। इस धरती को नमन करते हुए भगवान बिरसा
से फ्लैग ऑफ करते हुए देश में विकसित भारत का संकल्प यात्रा प्रारंभ हुआ। खोटी वो धरती है, खोटी वो भूमि है, खोटी वो वीर भूमि है। तो इस तरीके से जहां एक आम आदमी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, आपको साफ दिख रहा है एक गरीब का घर में चावल पहुंचे राशन पहुंचे इसकी चिंता भारत सरकार पूरा कर रही है। लेकिन ये जो आज तथाकथित इंडी गठबंधन तथाकथित रूप से अपने को अपने घोटाले अपने भ्रष्टाचार को सरकार शिक्षित हो, हर बच्चे
उस कार्य को पूरा करने का काम हम सब मिलकर के कर रहे हैं और आने वाले दिनों में खूबी ज्ञान आधारित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। यहां पर के समय में प्रारंभ हुआ था नॉलेज सिटी, लेकिन यह सरकार इन सारे कार्यों को बंद कर दिया। रक्षा विश्वविद्यालय का काम बंद हो गया, इसके बारे में यहां की सरकार या यहां के वैसे हिंदी गठबंधन वाले नेता कुछ नहीं बोलते। खरसा में मेडिकल कॉलेज का काम आधा बिल्डिंग 150 करोड़ खर्च हो चुका है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज का काम लोगों ने बंद कर दिया। तमाम जगह में डेवलपमेंट का काम बाधित है, विकास के काम बाधित है। आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से खूंटी के 256 गांव, सिमडेगा के 256 गांव, इन सारे गांव के लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार जिले में पैसा नहीं भेज रही, क्योंकि हमने उसमें शर्त रखा है कि जो घोषणा के लिए हमने पैसा भेजा है उसका फैसला गांव की सभा करेगी, गांव के लोग करेंगे कि यहां पर कौन सा काम होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ठेकेदारी के लिए यह पैसा नहीं है, गांव का विकास के लिए पैसा है। इसी तरीके से आज हम सबको खुशी है कि खूंटी सिमडेगा शहर के लखनसवा के हजारों घर से आज यहां से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल जैसे मोबाइल कंपनी में आज परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। ये योजना भारत सरकार और नरेंद्र भाई मोदी का सपना का परिणाम है कि महिलाओं के क्षमता को कैसे और ज्यादा विकसित किया जाए। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम चल रहा है, तमाम सशक्तिकरण का काम चल रहा है, और इसलिए आज पूरे देश भर में महिलाओं का एक अलग सशक्तिकरण का एक ऐसा माहौल दिख रहा है। इसके साथ ही 2029 में यही प्रधानमंत्री है, यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने महिलाओं को पार्लियामेंट में और असेंबली में 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 2019 के चुनाव, 29 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। लेकिन लेकिन यहां हिंदी गठबंधन के लोग यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यह आरक्षण समाप्त कर देगा, यह संविधान बदल देगा। संविधान कैसे बदलेगा? बाबा अंबेडकर का दिया हुआ संविधान यह देश का विधान है। बदलने के लिए तो उन लोगों ने किया जब इस देश में सहमानों के हुआ था, कानून को संविधान को बदलने का काम किया, इमरजेंसी लागू किया, काला कानून लागू किया, संविधान को तार तार करते हुए किया। लेकिन भारत भारत में नरेंद्र भाई मोदी ने कश्मीर से